नमस्कार गाइस, वेलकम टू भारत प्लेस। भारत प्लेस में आपका फिर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक सोलो मैच लेके आए हैं। पहले तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद में आपके लिए गेम प्ले लेके आया हूँ। बीच में कुछ दिनों के लिए तबीयत ख़राब थी, जो अभी थोड़ी ठीक हुई है। तो अभी हम गेम प्ले डेली लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी हम गेम प्ले पे आते हैं। तो दोस्तों, जिन जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्रिप्शन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। तो हमारी सेम टेक्निक, हम कॉर्नर पे उतरते हैं। कॉर्नर पे उतरने के बाद में हम सेंटर की तरफ जाते हैं। उतरते तो कोशिश यही रहती है कि कोई गन मिल जाए हमें, जो चलिए AK मिल जाती है हमें, तो और QBZ भी मिल जाती है। तो अभी हमारे पास कोई एनिमी आएगा तो हम उसे आराम से किल कर देंगे। तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे करके लूट लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे भी पहले मैंने बताया था कि जिन जिन को हमारे साथ खेलना है वो अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके वहाँ पर अपनी आईडी दे सकते हैं। कुछ लोगों ने दी भी आईडी, उनके साथ का गेम प्ले भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसीलिए दोस्तों, जिन जिन को खेलना होता है प्लीज़ कमेंट में जाके अपनी आईडी जरूर दें, ताकि हम उनके साथ भी खेल पाएँ। तो अभी वैसे हम आगे की तरफ चलते हैं और लेवल 2 का भी पैक हमें मिल जाता है। और फिर अभी हम दोस्तों, जब भी आप कॉर्नर पे उतरे तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं ना कहीं से कोई गाड़ी की या बाइक की व्यवस्था ज़रूर कर लें, कि आपको सेंटर में जाने के लिए आसानी रहेगी। कॉर्नर पे जब भी उतरते हैं जोन का इशू ज़रूर आता है, तो इसका ध्यान रखें और ये ज़रूर देखें कि कहीं ना कहीं से आपको गाड़ी मिल जाए। देखिए, AK मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो AK से अच्छा मैं UMP चलाना पसंद करता हूँ। तो इसीलिए चलिए देखते हैं अभी आगे क्या हिसाब किताब बनता है। देखिए, बाइक ही मेरे पास यहाँ मिल गई मेरे को। तो अभी मेरे पास जोन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जोन काफ़ी अंदर भी है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध भी है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस आजकल बहुत फैल रहा है, तो घर पे रहिए। जब ज़रूरत कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे आजकल क्योंकि हर कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए और आराम से घर से काम कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर आप तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और कोशिश करते हैं कि कोई एनिमी मिल जाए हमें। यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एनिमी होता है, तो चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एनिमी है या नहीं है। लेकिन लग तो नहीं रहा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं। तो अगर दरवाजे खुले होंगे तो ही एनिमी हो सकता है, क्योंकि वो ओपन डोर से पता चल जाता है एनिमी है या नहीं। तो यहाँ पर तो एनिमी मिला ही नहीं, तो अभी हम चलते हैं सेंटर की तरफ। एनिमी तो मिलेंगे मिलेंगे, 41 एनिमी बचे हुए, काफ़ी एनिमी है उससे। तो लेट्स सी दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से तक जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होगा ना, एंड में तो खासकर काफ़ी इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए, जो मेरा लास्ट किल होगा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बंदे ने चैलेंज दिया था एक तरीके से। देखिए, एक बंदा यहाँ बैठ के कहीं से गोली मार रहा था, इसको हमने ब्राउन पेटी में, चमकदार हमारी ब्राउन पेटी में डाल दिया। एक और भैया भी है, इनको भी हमने चमकदार ब्राउन पेटी में डाल दिया है। अब थोड़ा लूट लेते हैं। ओहो, ओहो। इनको भी हम चमकदार ब्राउन पेटी में डाल देते हैं। तो रस्सी, 2-3 एनिमी को तो हमने मार ही दिया है, सबकी ब्राउन पेटी बना दी है। अनवांटेड आइटम को हम फेंक देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी लूटते रहें अनवांटेड आइटम को ज़रूर फेंक दें, ताकि
आपके बैग में स्पेस रहे और आप आराम से फूड का मज़ा ले सकें। चलते हैं, हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और ड्रॉप है सामने, देखते हैं ड्रॉप पे क्या मिलता है, ड्रॉप पे कोई एनिमी आता है या नहीं आता। गाड़ी उठा के चलते हैं ड्रॉप की तरफ दोस्तों। और दोस्तों आप सब जरूर बताइएगा कि कई लोगों को, मेरे को पता नहीं क्यों, कई लोगों ने मेरे को बताया था कि उन्हें पबजी मोबाइल पसंद नहीं आता, पबजी मोबाइल लाइट पसंद आता है। कई लोगों को लाइट पसंद आता है, मोबाइल पसंद नहीं आता, कई लोगों को मोबाइल पसंद आता है, लाइट पसंद नहीं आता, अपनी अपनी चॉइस है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइट पसंद आता है या मोबाइल पसंद आता है। देखते हैं किनको कितने किस किस गेम प्ले का इंटरेस्ट है, पता तो चले हमारी यूट्यूब फैमिली में। चलिए हम अपने ड्रॉप हंटिंग पे आ गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमी ड्रॉप लूट रहा है और उसने शायद ड्रॉप लूट भी लिया होगा इतने टाइम में। देखते हैं, थोड़ा सा स्प्रे खराब हुआ। की तरफ जा रहा था, उससे पहले हमने इसकी पेटा पेटी बना दी। देखते हैं ये बंदा तो लूट के आ गया। ओके, एक और बंदा है नीचे, लेट्स सी। भैया जी तो बहुत, कोई बात नहीं, इनको भी चमकदार ब्राउन पेटी में डाल देते हैं। और अभी आगे की तरफ चलते हैं, उसी क्या होता है आगे की तरफ। और दोस्तों जब भी आप सोलो खेले तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने प्रोटेक्शन का, चारों तरफ देख के, पहले चारों तरफ जरूर देखें कि कोई एनिमी तो नहीं है, उसके बाद ही कहीं लूट करने जाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे को रोज़ा मिल गई, इसमें रोज़ा शॉट में काफ़ी अच्छी गन है, तो हमने रोज़ा मैडम उठा ली और 9 MM की गोलियाँ गिरा देते क्योंकि हमारे किसी यूज़ की नहीं है वो भी। ओके, पीछे से गोलियाँ पड़ी। तो हम एक बैंडेज लगा लेते हैं जिससे हमें 75% हेल्थ फुल हो जाएगी और उसके बाद हम ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं ताकि 100% हेल्थ हो जाए। यही कहीं एनिमी होना चाहिए मगर है नहीं वो। तो लेट्स सी, अभी आगे की तरफ चलते हैं और एनिमी है तो नहीं यहाँ पर, आजू बाजू में कोशिश ये है कि कहीं से पता चल जाए कि एनिमी है कहाँ पर लोकेशन, मगर एनिमी होना तो ज़रूर है चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई, क्योंकि मेरे पास फायर के शॉट्स मारे थे तो एनिमी होना तो चाहिए कहीं ना कहीं, मगर दिख नहीं रहा है वो। ओके, हमें 6x मिल जाता है, M416 प्लस 6x रॉक्स। अभी हम एक और पेन किलर अप्लाई कर लेते हैं ताकि, अरे देखिए जब मैंने कहा था ना कि एनिमी होना चाहिए, एनिमी दिख गया। 762 से हमारे पर फायर कर रहा था वो, अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया उसने 70% का, बट हमारे पास 6x था तो हमारे बचा हो गया। 18 एनिमी बचे हुए हैं और 7 किल कर चुके हैं अभी तक हम, नॉट बैड। मेरे को लगा जैसे कोई एनिमी है मगर है नहीं यहाँ पर कोई। तो भी आगे की तरफ चलते हैं। ये बाइक मेरी हर पोजीशन में हेल्प की है इस पूरे गेम प्ले में इसने, और आगे भी करेगी जैसे आप देखते रहिएगा। बहुत सारी लोकेशन होगी जहाँ इस बाइक की वजह से मैं पहुँचूँगा, अदरवाइज एनिमी ने तो हमारा गेम ही बना दिया होता।
चलते हैं, यहाँ का एनिमी होना तो चाहिए एक। आजू बाजू में ओके, यहाँ पर एक एनिमी हमें दिख गया है। ये शेल्टर में है, चले कोशिश करते हैं। हम तो बड़े नूबड़े हैं ग्रेनेड फेंकने की, और ग्रेनेड गलत जगह गिर जाता है। ओके भैया, एसकेएस चला रहे। एसकेएस भी अच्छी गन है मगर चलानी डिफिकल्ट है। अगर आप चला पा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम सेंटर में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, कभी आप लोगों ने ग्रुप में पिस्टल फाइट की है? पिस्टल भी आप देखेंगे ना तो कई तरीके की पिस्टल्स भी होती है दोस्तों गेम में। एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी होती है जिसे एक दो बार तो मेरे को मेरी जान भी बचाई है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आपको वो भी मिल जाती है तो भी वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर देती है। PC-19 समथिंग, मैं उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। PP-19 नहीं दोस्तों, वो तो SMG हो गई। मेरे को पता है कई लोग PP-19 सोच रहे होंगे, असॉल्ट गन, सॉरी SMG गन, वो SMG नहीं है। पिस्टल सब SMG पिस्टल है वो, एक तरीके से जिस पिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। बट लेट्स सी, अभी थोड़ा गेम प्ले पे ही रहते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बाइक गिराई है, देखते हैं। एनिमी तो यहाँ पर बहुत है, 7-8 एनिमी होने चाहिए इसी एरिया में। सामने ड्रॉप भी आ रहा है, देखिए ये एनिमी भैया जी यहाँ लेट गए और इन्हें लगा कि ये एनिमी को मार लेंगे, तो हम तो इसकी इनकी पीटी पार्टी बना देते हैं। सामने फाइट चल रही है जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो हम हिल नहीं रहे ताकि हमारी लोकेशन ना किसी को पता चले, बट एनिमी तो यहाँ पर हैं। लेट्स सी कहाँ पर है वो, दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, यही तो दिक्कत है। लेट्स थोड़ा सा शैक में चलते हैं, अंदर की तरफ से सेफ रहते हैं। ओके ओके, ओम का पटका पड़ा, जस्ट साइड से गोली निकली है। तो अभी हम धीरे धीरे करके अपने आप को सेव कर लेते हैं, इससे पहले कि एक सही हेडशॉट पड़े और हमारी पीटी पार्टी बन जाए। तो इससे पहले हम लोग अपने आप को बचा लेते हैं, थोड़ा सेव कर लेते हैं हम अपने आप को। तो चलिए चलते हैं गेम प्ले पे वापस से। और कहीं ना कहीं तो एनिमी है, एक एनिमी मरा है हमारे हाथों से और बाकी 7 बचे हुए हैं। थोड़ा सा इस बंदे को ही लूट लिया जाए। यहाँ पर वाला सामने वाला एनिमी शायद भाग गया है या उसने लोकेशन चेंज कर ली है, क्या सीन है समझ नहीं आ रहा। बट पे हमें आ रहा है यहाँ से निकलने का टाइम हो गया एक तरीके से। इससे पहले कि कोई एनिमी हमारी पेटी पार्टी बना दे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके लिए हम मदद लेते हैं अपनी बाइकी बुई की। अरे भैया जी, सोना गया, भागो 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 भागो, इससे पहले कि जोन भैया ये हमारी पेटी पार्टी बना दे।
हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और घरों के अंदर से थोड़ा सा सुरक्षित होते हुए से तरीके से हमारी हेल्थ भी कम कर दी गई है, हेल्थ कम करती है और वो थोड़ा सा गलत उतर गया हमें एक तरीके से शेड एकदम ऊपर एरिया में उतर गया और इसका नुकसान ये होगा कि मेरे को फटके पड़ रहे हैं। पीछे एनिमी है तो उस एनिमी से बचने के लिए हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर की तरफ जाने के बाद हम थोड़े से सुरक्षित हो जाएंगे। के 4 एनिमी बचे हुए हैं। भैया जी का तो हम पीटी पाटा बना रहे थे, ये भी बहुत बंदों को मार रहा था रेक्स, तो हमने रेक्स का उसको एक्स कर दिया और वो अभी लॉबी में जाके आराम करेंगे। ज़्यादा गोली गाली मत मारिए भैया जी, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं और अभी जब तक हम जिंदा हैं तब तो गेम प्ले अपना ही है भाई। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे गेम प्ले आगे बढ़ाते हैं। और सामने मेरे को एनिमी स्पॉट हो गया एक तरीके से, यहाँ पर ही है वो, 2 बचे हुए हैं। ओके तो 2 एनिमी एक तरीके से, इसके बाद एक और है, जोन भी शुरू हो रहा है और लेट्स सी ये एक दो एनिमी कहाँ है, एक तो ये रहा, दूसरा कहाँ है, दूसरे स्पॉट के ये देखिए कार 98 का फटका मारा इसने उसको, मैंने उसकी 90% हेल्थ एक तरीके से ख़त्म कर दी थी, उसको तगड़े हैं शॉट्स मारे M416 के, बट वही कहते हैं ना कि किस्मत साथ नहीं दी थी। जब किस्मत साथ नहीं देती है तो क्या करेंगे भाई। ये बंदा जी गाड़ी लेके निकलनी है। ओके इनको हमारी लोकेशन नहीं पता, ये हमारी लोकेशन ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको हमारी लोकेशन नहीं पता चल रही है। देखिए मजेदार चीज हो रही है, सोचा उसको अपनी लोकेशन बता ही दूं। आइए आइए अब देखिएगा दोस्तों, काफी मजा आने वाला है आपको और ये मजा अच्छा लगे तो वीडियो में बच के दिखाऊंगा। करते हैं गेम प्ले का, मैंने वाला एक वाला M416 से मारूंगा और मेरे पास 150 बुलेट्स थी तो अभी 70 और 100 ही बची हैं, 50 तो भी मैंने ख़त्म कर दिए। लेट्स सी मार देंगे, सुन आने वाला था तो हमने इनकी पीटी पार्टी बना दी और हमारा चिकन भी कंटेनर हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फिर से आपके लिए एक और चिकन कंटेनर ले लिया दोस्तों, हम ऐसे ही आपको चिकन डिनर देते दिलाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन अपना प्यार इसी तरीके बनाए रखें। वीडियो को लाइक जरूर, लाइक बटन जरूर ठोक दें दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों आपके हर काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों घर पर रहिए, सेफ रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए, मज़े कीजिए और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे साथ खेलिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच।